सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जनवरी महीने में रेल मंत्री ने बताया था कि अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा और उसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने इलाहाबाद मंडल में कार्यरत लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निष्कासित कर दिया है। कुल 22 रेल कर्मियों पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। यह सभी कर्मचारी ग्रुप डी के विभिन्न पद पर तैनात थे। कार्रवाई के बाद जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं ड्यूटी से गायब रहने वाले अन्य कर्मचारियों ने अपने बचाव में दौड़ भाग शुरू कर दी है। उत्तर रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर राकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि निष्कासित किए गए 22 रेलकर्मी लगातार ड्यूटी से गायब थे और कई बार चेतावनी के बाद भी इनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद इन पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। इसके पहले उत्तर रेलवे ने 16 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था, जिसके बाद से ही रेलवे कर्मियों को ड्यूटी पर नियमित होने की सलाह दी गई थी। हालांकि अधिकारियों की खानापूर्ति के चलते हैं अभी तक यह सभी बगैर ड्यूटी के ही सरकारी वेतन ले रहे थे, लेकिन पिछले दिनों रेलवे द्वारा एडवाइजरी जारी करने के बाद पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की जाने लगी थी। उसी अनुक्रम में अब उत्तर रेलवे ने अपने 22 रेल कर्मियों पर निष्कासन की कार्रवाई की है। दोस्तों, यदि आप भी रेलवे कर्मचारी हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि रेल मंत्री के आदेशानुसार रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है और लापरवाह कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल सके। और नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।